इंदौर में 70 करोड़ के ड्रग रैकेट में अब एक और नया खुलासा सामने आया है। सदर बाजार इलाके में रहने वाले ड्रग्स पेडलर रईस ने झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में बच्चों को नशे का आदि बनाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर ड्रग्स बेच दी थी। रईस ने पूरे कोरोना काल में कोरोना से बचाव की दवा के नाम पर MDMA ड्रग बेचता रहा, जिसमें अपना निशाना निचली बस्तियों, गरीब वर्ग के ऐसे लोगों को ज़्यादा बनाया जिसमें आसानी से दवा के नाम पर भ्रमित कर ड्रग्स खिलाता गया और उन्हें नशे का आदि बना डाला। रईस ने होटल, जिम, पब, बस्तियों में ड्रग सप्लाई करने के लिए पेडलर्स की एक चेन लगा रखी है, जिसने पूरे कोरोना काल में यह कहकर दवा बिकवाई कि इसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना का असर नहीं होगा। इससे दवा के नाम पर करीब 100 से अधिक लोगों को ड्रग का शिकार बनाया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्य तौर पे ड्रग्स को लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाइयां की हैं और इसमें 2 दर्जन से ज्यादा कार्रवाइयां इंदौर में और बुरहानपुर में भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स पकड़ी गई है। अगर यहाँ पर करें तो कई जानकारियां मिली है। मुख्य तौर पर जो युवाओं को एक ट्रैप में फंसाने के लिए जिस तरीके तरीकों का उपयोग किया जाता था वो मुख्य तौर पर चिंताजनक है, जिसमें कई बार वेट कम करने के नाम पर, कई बार जिम में अच्छे मसल्स के लिए और कई बार स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों से बातें करके, अलग अलग तरीकों से, माध्यमों से युवाओं को आकर्षित करके इस तरह के वो ट्रैप में फंसाते थे। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को, जैसा कि आपको पता है, बड़ी गंभीरता से लिया था। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में इसकी गिरफ्तारियां हुई और इसी कड़ी में जो नए आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने जो कुछ नाम बताए हैं उनकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। अभी उसमें और भी गिरफ्तारियां कुछ होंगी इसमें, चूंकि पुलिस स्थानीय स्तर पर भी काम कर रही है, इसमें दूसरे राज्यों से भी पकड़े गए हैं, तो पुलिस का अभियान जारी रहेगा। मुख्य तौर पर युवाओं को ड्रग फ्री पूरा जोन और ड्रग फ्री पूरा इंदौर, ये हमारा पूरा उद्देश्य है। मुख्य जो भी बड़े शहर है वो ड्रग से मुक्त रहा तो युवाओं के लिए एक बेहतर राहत की बात रहती है। तो मुख्य तौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस का जो अभियान चल रहा है उसमें उद्देश्य है कि युवाओं को इस गिरफ्त से बाहर निकाला जाए और इस तरह के अपराधियों के हर नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।